दोस्तों 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक और पेपर लाए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पीके को। यहाँ पर 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। पूरा पेपर शुरुआत से लेकर एंड तक देख लेना, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दिखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर या फिर निमोनिया। तो यहां पर गैर संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा, कैंसर यहां पर एक गैर संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुकुलन या बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है, अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लीशमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी सीरम क्या होते हैं, एंटीजन, WBC, एंटीबॉडी या फिर RBC। जातियों की उत्पत्ति किसने पुस्तक लिखी, लैमार्क ने, डार्विन ने, डीब्रीज ने या मेंडल ने। तो जातियों की उत्पत्ति डार्विन की बुक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। एक नंबर का प्रश्न, DNA में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। अगला प्रश्न है, एक लिंगी दो पौधों के नाम बताइए, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है बताइए, ओपिएट क्या है बताइए। तो ये पांच प्रश्न हो गए जो कि एक एक नंबर में यहां पर पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार जरूर करना, ये आपके बोर्ड के लिए भी, बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो। लघु उत्तरी प्रश्न टाइप वन, अगुणित कोशिका, अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली को समझाइए, बिग बैंग परिकल्पना क्या है समझाइए। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लिखेंगे आधे पेज में। IVF तकनीक को समझाइए, तो IVF तकनीक क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आपको समझाना है। बहुभ्रूणता जिसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है दो नंबर में। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन पर टिप्पणी लिखिए, डार्विन का जो प्राकृतिक चयनवाद है उस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप टू, अपरा या प्लेसेंटा क्या है वो पूछा गया है, अपरा क्या है, अपरा के विभिन्न कार्यों को संक्षेप में वर्णन करो। अगला है, एक परिपक्व पराग कोष का अनुप्रस्थ काट का केवल चित्र आपको बनाना है, नामांकित करना है, लेबलिंग करनी है, नाम लिखने हैं, जो भाग जो सा हो। कायिक जनन से क्या लाभ है समझाइए, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए, जो मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन वो पूछा गया। दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए भी। प्रभाविता का नियम तो सब जानते ही हैं लगभग। अगला है, लैमार्कवाद की डार्विनवाद से तुलना करना है तीन नंबर में। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको, संक्रामक रोग और कोरोना वायरस पर। अगला है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी से आप क्या समझते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आप क्या समझते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आप क्या समझते हैं। अगला है, यौन संचरित रोगों की रोकथाम हेतु उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जो यौन संचरित रोग हैं, ठीक है, उनको उनको रोकने के उपाय आप सुझाएंगे, ये क्वेश्चन तैयार करना। अपसारी एवं अभिसारी विकास को स्पष्ट कीजिए, अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास को आपको उदाहरण से स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में बहुविखंडन की प्रक्रिया का केवल चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, अमीबा में बहुविखंडन की प्रक्रिया को आपको केवल डायग्राम द्वारा समझाना है। मानव में लिंग निर्धारण जरूर तैयार करके जाना। बीजों के प्रकीर्णन में प्रयुक्त कारक कौन से हैं, जल है, वायु है, पक्षी है, हवा है, ये सारे बीजों के फैलाव या बीजों के प्रकीर्णन के कारक है। पांच नंबर का प्रश्न पहला, कि परागण के अजीवी एवं जीवी अभिकर्मकों का विस्तार करिए, कि परागण किस तरह से होता है, परागकण कैसे फैलते हैं, उनके जीवीय घटक कौन से हैं, अजीवीय घटक कौन से हैं, अजीवीय कारक कौन से हैं जो परागकण का प्रकीर्णन करते हैं या परागकणों को वर्तिका तक पहुंचाते हैं। अगला है,
जैव विकास की क्रियाविधि अथवा जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन का महत्व बताइए। कोई एक करना है, या आप परागण वाला करेंगे या फिर ये जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का महत्व। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग तैयार ही करनी है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन और इसके उपयोग आप तैयार करना, बोर्ड भी प्री बोर्ड सब में आएगा। नहीं आता फिंगरप्रिंटिंग तो समाज में जनन स्वास्थ्य के चार महत्वों में, चार महत्व के बारे में अपने स्पष्ट कीजिए विचार। फिर से पढ़ देते हैं, समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी समाज में जनन स्वास्थ्य की क्या क्या महत्व है, क्या भूमिका है। अगला है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवियों के विषय में वर्णन करो। तो कौन कौन से परजीवी मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, प्रोटोजोवा हो गए, ठीक है। इसके बाद हेलमिंथ कौन कौन से हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जुए हो गए, ऑर्थोपोड्स कौन से हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नहीं आता अगर ये वाला प्रश्न तो आप टिप्पणी लिख सकते हैं, लैंगिक जनन पर, प्लेसेंटा के निर्माण पर और अनिषेक फलन पर। तो ये पूरा पेपर है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें सब में, इसका सॉल्यूशन हम आंसर वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे जरूर बताना। जय हिंद।